फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 से 6 इंच के गमले में हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। मैंने भी लगा रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये उन सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कम स्पेस में, क्योंकि हम बड़े पॉट नहीं रख सकते हैं, इसीलिए बहुत छोटे छोटे पॉट ही हम रख पाते हैं और उसके हिसाब से हमें प्लांट चूज़ करना पड़ता है कि कौन से प्लांट छोटे पॉट में चल जाते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो कि जगह की वजह से कम प्लांट लगाते हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें छोटे स्पेस में, कम जगह में, छोटे पॉट में 4 से 6 इंच, जो बहुत ही छोटा सा गमला होता है, उसमें भी लगा के ग्रो कर सकते हैं और सालों साल तक रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्लांट चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है वो है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पर्पल हार्ट का प्लांट लगा रखा है और ये एक वेस्ट डब्बा है और ये डब्बा आई थिंक 6 इंच का होगा और ये प्लांट कुछ ऐसा प्लांट है ये पर्पल हार्ट का, इसे आप 4 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड पसंद करता है। जितनी इसकी रूट बाउंड होती है, इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इस प्लांट को आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, बट इसे आप छोटे से छोटे पॉट में, यानी कि यहाँ तक कि आप छोटे से कप में भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो पर्पल हार्ट प्लांट को भी आप 4 से 6 इंच के गमले में या फिर उससे भी छोटे गमले में भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। पेंसिल कैक्टस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है छोटे से पॉट में। आप देख सकते हैं, ये है एक डिस्पोजेबल ग्लास और इसमें मैंने पेंसिल कैक्टस की कटिंग लगाई थी आई थिंक 2 या 3 महीने पहले और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है और ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है इस छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास में। इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। जिस साइज़ के पॉट में आप लगाएंगे, ये प्लांट की ग्रोथ उसी तरीके से होती है। छोटे पॉट में थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है और बड़े पॉट में ये प्लांट काफ़ी बड़ा सा हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं यूफोर्बिया मिली। इस प्लांट के लिए भी फ्रेंड्स आपको बड़े पॉट की जरूरत नहीं है, बट आप इसे बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे पॉट में आप इसे लगाएंगे, उसी तरह के पॉट में ये प्लांट ग्रो कर जाता है। छोटे पॉट में लगाएंगे तो ग्रोथ थोड़ी कम होती है, छोटा रहता है, स्लो ग्रोथ करता है और हाइट में भी थोड़ी कम रह जाता है। ये प्लांट हाइट में भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसे अगर आप बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं तो हाइट में भी ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ ये फैल भी जाता है अच्छी तरीके से और बड़ा भी हो जाता है। तो यूफोर्बिया मिली को भी आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो है ये स्नेक प्लांट की जो ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ही बॉटल है जो 250 ml का पानी का जो बॉटल होता है, जस्ट एकदम छोटा सा, उसी में मैंने इसे लगा रखा है और काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ चल रही है। तो स्नेक प्लांट को भी आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, कितना भी छोटा पॉट हो उसमें आप लगा सकते हैं, अच्छी तरीके से चल जाता है। फिर फ्रेंड्स, आप कैलेडियम के प्लांट को भी छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बल्ब के द्वारा ग्रो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे 6 इंच के गमले हैं जिसमें मैंने कैलेडियम के प्लांट को ग्रो कर रखा है। इसके बल्ब जब फैल जाएँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले ले, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, बट जब तक इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक आप इसे 6 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप कोलांचू के प्लांट को भी 6 इंच के गमले में या 4 इंच के गमले में लगा सकते हैं, यहाँ तक कि उससे भी छोटे गमले में भी आप कोलांचू के प्लांट को लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक डिस्पोजेबल जो खाने वाला कंटेनर होता है, जो बाहर से हम खाना मंगाते हैं, उसी में मैंने लगा के रखा है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो मैंने ये 2 लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छी सी इनमें ग्रोथ चल रही है। तो कुलांचू के प्लांट को भी आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे, ये है हैज प्लांट, ये है गोल्डन हैज। इसी तरीके से मेरे पास काफ़ी सारे हैज प्लांट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है लालसा का प्लांट और ये भी बहुत ही छोटे से गमले में मेरे लगा हुआ है। जस्ट इतनी सी ही मिट्टी इसमें आती है और ये आई थिंक 4 इंच का गमला होगा और मिट्टी बहुत बहुत कम आती है। आप देख सकते हैं, थोड़ा नैरो है ये पॉट और मिट्टी बहुत ज़्यादा कम में भी, ये कम रहने पे भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। इसी तरीके से और भी फ्रेंड्स मेरे पास जो हैज प्लांट है, तो हैज की कोई भी वैरायटी हो, आप उसे
छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और रख सकते हैं सालों साल तक। फिर फ्रेंड्स आप अडेनियम के प्लांट को छोटे से पॉट में लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा मेरे पास ये कंटेनर जो कि फूड कंटेनर है, वही उसी में मैंने इसे लगा रखा है और दोनों ही प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। तो अडेनियम के प्लांट को भी आप बड़े पॉट में ना लगा के छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स किसी भी तरह का जो कैक्टस का प्लांट होता है उसे आप छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे गमले में लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का जो सक्कुलेंट प्लांट होता है उसे भी आप लगा सकते हैं, जस्ट लाइक जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक सक्कुलेंट टाइप ही प्लांट है। ये सारे गमले जो आप देख रहे हैं ये 6 इंच के गमले हैं और इनमें मैंने जेड प्लांट लगा रखा है, कैक्टस का प्लांट लगा रखा है, स्नेक, यूफोर्विया, काफ़ी सारे प्लांट मैंने छोटे छोटे गमलों में लगा रखा है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लांट चल रहा है। और फ्रेंड्स छोटे से पॉट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है बेबी सन रोज़। बेबी सन रोज़ को भी ग्रो करने के लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप कोलियस को बहुत ही छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। कोलियस भी छोटी छोटी स्पेस में छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छी तरीके से सालों साल तक रह जाता है, ग्रो होते रहता है, बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर फ्रेंड्स आप विंग का सदाबहार के पौधे को भी आप छोटे से स्पेस में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आइसक्रीम के डब्बों में मैंने इसे ग्रो किया है, जस्ट इतनी सी ही इसकी डेप्थ है, आई थिंक 1.5 से 2 इंच की डेप्थ होगी और इतने में ही ये प्लांट काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ इस प्लांट की हो रही है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। फिर फ्रेंड्स आप टर्टल वाइन को छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जस्ट इतना सा ही ये कंटेनर है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। इसी तरीके से फ्रेंड्स पत्थर चट्टा के प्लांट को भी आप छोटे से कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट बॉटल का ही कंटेनर है और इसमें मैंने पत्थर चट्टा के भी प्लांट को लगा रखा है, साथ में मेरे से ढेर सारे इसमें सदाबहार के भी पौधे निकल आए हैं। फिर फ्रेंड्स आप छोटे छोटे कंटेनर में टैंगल हार्ट को भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं ये एक बॉटल था, एक मेरा DIY बॉटल है ये और काफ़ी अच्छी इसमें इसकी ग्रोथ चल रही है। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे कंटेनर में काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हम लगा सकते हैं, जैसे कि ये एस्परगस, ये मेरे छोटा सा हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने लगा रखा है और इसी तरीके से मैंने ये छोटा सा हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने टैंगल हार्ट को भी लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स ये भी एक छोटा सा ही हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने बेबी टीयर्स के प्लांट को भी लगा रखा है। इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं जिसे कि हम छोटे छोटे कंटेनर में छोटी छोटी स्पेस में लगा सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है क्रोटोन का प्लांट, इसे भी मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है और जब तक इसे छोटे पॉट में लगाएंगे ये प्लांट का साइज़ छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। आप मनी प्लांट को छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं आइसक्रीम के डब्बे में मैंने लगा रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सीडम का प्लांट, इसे भी आप छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे कंटेनर में ये प्लांट चल जाता है। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरे पास लियोपार्ड ईयर का प्लांट, जिसे भी आप छोटे से कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे है ड्रेसिना, ड्रेसिना की भी काफ़ी सारी वैरायटी ऐसी होती है जिन्हें कि हम छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप स्पाइडर प्लांट को भी छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बॉटल, डिस्पोजेबल बॉटल जो होते हैं उसी में ग्रो कर रखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह मैंने ग्रो कर रखा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे प्लांट जो कि हमारे आसपास हैं, बस हमें देखना होता है कि उसके रूट कितने डीपली जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये जो है पैंडनस का प्लांट, इसे भी आप छोटे से कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। तो इस और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो वाइन देख रहे होंगे, इन स्वीट पोटैटो वाइन को भी हम छोटे छोटे बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये सारे ही जो बास्केट आप देख रहे हैं मेरे, ये 4 या 6 इंच के ही बास्केट होंगे जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इनमें मेरे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट हमारे आसपास होते हैं जिससे कि हम बहुत ही आसानी से छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही कम स्पेस में खूबसूरत सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो
भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।